स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों, खुशखबरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। झारखंड सीएचओ 810 वैकेंसी का रिजल्ट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 810 वैकेंसी का रिजल्ट जारी हो चुका है सीएचओ झारखंड का। और दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों के पास लिस्ट अभी भी नहीं पहुँची है या फिर नर्सिंग के अपडेट्स आपके पास नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप प्लीज़ पूरा वीडियो देख के, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, झारखंड सरकार झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड, आज लेटेस्ट इसका नोटिस आया है 15/9/2023। हमने पहले भी ग्रुप के अंदर बता दिया था कि 15/9/2023 को इसका फाइनल लिस्ट आ जाएगा, जो कि 388 नंबर पत्रांक के जरिए ये रिजल्ट आप लोगों का घोषित हो चुका है। झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद नामुम रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अंतर्गत ब्रिज कोर्स प्रोग्राम पाठ्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सीएचओ के नामांकन हेतु औपबंधिक रूप से निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो दोस्तों, इन लोगों का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम हेतु चयन हुआ है। तो दोस्तों, रोल नंबर दिए गए हैं, सीरियल नंबर दिया गया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कैटेगरी, और इसके अलावा कौन सी कैटेगरी में आप हैं उसका इसके अंदर दिया गया है। ये लोग सेलेक्टेड हैं दोस्तों, किसी के जैसे ये सीएमएल रैंक वाइज दे रखा है, साइड में रैंक भी लिखा हुआ है दोस्तों, रोल नंबर वाइज आपका नाम भी लिखा हुआ है, और इधर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका आगे रोल नंबर भी इसके अंदर दर्शाया गया है। दोस्तों, लिस्ट के नीचे कोई अपडेट है तो हम आप लोगों को इसके अंदर ज़रूर से कोई अपडेट देते हैं। दोस्तों, नीचे जो ये अपडेट है इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में प्रशिक्षण जो आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर 10,000 रुपये आपको प्रोग्राम स्टडी सेंटर से पैसा दिया जाएगा। जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको इग्नू का कोर्स करना होगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपको तभी पोस्टेड किया जाएगा जब आप इग्नू के पाठ्यक्रम में पास हो जाएंगे। उत्तीर्ण अगर आप नहीं होंगे तो आपको एक और अवसर दिया जाएगा, उसमें भी अगर आप अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको सीएचओ के पद पर नहीं रखा जाएगा। सियोरिटी बॉन्ड आप लोगों को भरना होगा। इसके अंदर सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि सियोरिटी बॉन्ड एवं इग्नू फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भर के अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी दो प्रतियों, मतलब मूल प्रमाण पत्रों के साथ दो उसकी फोटोकॉपी भी साथ लानी है, 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लाना है। 20/9/2023 को क्रमांक 1 से 225 तक जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो दिनांक 21/9 को क्रमांक 226 से 450, तो अपने अपने क्रमांक देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरे नंबर भी आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 15/9 को दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी है। नीचे आप लोगों का इग्नू का इसके अंदर जो भी एक्शन और एडमिट कार्ड और फॉर्म भी इसके अंदर दिया हुआ है, इसकी भी प्रिंट आप लोगों को निकालनी है। ये फॉर्म आप लोगों से वहीं पर ही भरवाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको फॉर्म भरने के बाद में आपका सीसीएस के अंदर एडमिशन होगा, और उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आएगा तो अगर आप पास होते हैं तो आप लोगों को इसके अंदर एज ए सीएचओ आपको झारखंड में रखा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।